भारत में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,994 नए मामले सामने आए। वहीं अब सक्रिय मामले 16,354 हैं। शुक्रवार को भारत में कोरोना के 3,095 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार कोविड-19 रिकवरी दर 98.77% है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.09% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.03% दर्ज की गई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए देश के कई राज्यों ने मामलों को नियंत्रण में रखने की रणनीतियों पर काम करने के लिए अहम बैठकें की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टेस्ट में कोविड पॉजिटिव आने वाले सभी सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि किसी भी नए वेरिएंट की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा होने से बचने की अपील की है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क का उपयोग करने की सलाह भी दी है। कोरोना मामले बढ़ने के बाद केरल में सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वो सभी कोविड-19 मामलों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों को मास्क पहनना चाहिए। अगर किसी में कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें फौरन अपना टेस्ट कराना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।